हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षा ट्यूब। दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो स्पेशल तैयार किया हुआ है रेलवे ग्रुप डी व एसएससी की तैयारी के लिए। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक टोटल 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और सब हमारे प्रैक्टिस सेट वायरल हो चुके हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट हम लोग एक टेस्ट सीरीज की तरह चलाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 20 क्वेश्चन होता है, जिनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जिन लोगों के 16 से 20 क्वेश्चन सही होते हैं उनको कैटेगरी ए मिलती है, जिन लोगों के 12 से 16 क्वेश्चन सही होते हैं उनको कैटेगरी बी, और 8 से 12 वालों को कैटेगरी सी, और बाकी को कैटेगरी डी दी जाती है। दोस्तों कैटेगरी का मतलब आप समझ चुके होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी रहेगा हीलियम। तो दोस्तों जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह गैस है हाइड्रोजन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके जो भी मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन सही होते हैं उनको 1 मार्क दे दीजिए, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसको 0 मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा। लास्ट में हम टोटल करेंगे कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, सूर्य में होता है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए हाइड्रोजन व हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी रहेगा फास्फोरस। तो दोस्तों सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन व हीलियम। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन डी रहेगा हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों निम्न ताप पर द्रव में बदलने वाली गैस को हाइड्रोजन गैस कहते हैं। हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जीएस मतलब जनरल साइंस में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आप ग्रीन हाउस याद कर लीजिएगा, दूसरे सभी खोजकर्ताओं के नाम याद कर लीजिएगा। इन दोनों में से हमेशा 1 से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब हमारा इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, हीलियम की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए शीले ने, ऑप्शन बी लोकेयर ने, ऑप्शन सी हेनरी केवेंडिस ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, हीलियम की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सबसे पहले खाद किसने बनाई थी लैब के अंदर, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप 2 दिन से 3 दिन में भी ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जीएस। पर दोस्तों इसको इतना भी लाइट मत लीजिएगा कि आपके
ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। गैसीय समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर क्या सूचित करता है, मतलब आर का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1 ग्राम गैस को, ऑप्शन बी 1 मोल गैस को, और ऑप्शन सी 1 लीटर गैस को, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर पी वी इक्वल टू एन आर टी में 1 मोल गैस को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी रहेगा डीजल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। देखिए कोयले से धुआं उठता है काफ़ी, केरोसिन के व्हीकल सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो हम व्हीकल्स में केरोसिन नहीं डालते, डीजल के व्हीकल में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग तभी पेट्रोल का व्हीकल प्रीफर करते हैं, तो बचा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आए उसको रियल लाइफ से ऐड कर लीजिए जनरल साइंस का, और आपका आंसर खुद ब खुद ऑप्शन से ही बन जाएगा। ज़्यादा आपको जनरल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट ध्यान रखिएगा जनरल साइंस के 25 से 29 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये 25 से 29 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, मतलब कौन सी गैस है वो, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी एक घोल। दोस्तों जब अपन सिलेंडर लाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के अंदर उसकी गैस डालते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि एक पानी जैसा मतलब द्रव जैसा अपने को सुनाई देता है जब अपन दूसरे सिलेंडर में डालते हैं। तो दोस्तों जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें कुकिंग गैस द्रव जैसी होती है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी द्रव। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड से, और ऑप्शन डी रहेगा कैल्शियम ऑक्सीलेट से। तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट से, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैडियम। कैडियम ऐसी अभिक्रिया है जिससे वो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन बी सिल्वर और आयोडाइड का, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है टेप पर, जो ऑडियो और वीडियो टेप आती थी। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन है ऑप्शन ए
कॉपर ऑप्शन बी, जिंक ऑप्शन सी, सिल्वर और ऑप्शन डी रहेगा आपका निकेल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी मसोडियम। दोस्तों इनमें से पूछा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में समुद्र में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मसोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये याद रखिएगा, काफी जनरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन बी बोरिन नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? दोस्तों मैंने पहले भी बोला था, ये जो भी प्रक्रिया है उनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे काफी बार क्वेश्चन बनता है। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी स्कंदन और ऑप्शन डी अविशोषण। तो दोस्तों स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्कंदन। दोस्तों ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे अवशोषण क्या होता है, अपोहन क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, अविशोषण क्या होता है, ये सब याद कर लीजिएगा, इनसे जरूर क्वेश्चन बनता है। अब हमारे दो क्वेश्चन बच्चे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके मार्क्स आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों इसमें कोई डरने की बात या शर्माने की बात नहीं है कि आपके 4 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए। दोस्तों पहले हमेशा फेलियर आती है, उसके बाद ही सक्सेस आती है। अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी टाइम पड़ा है और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी रहेगा लिथियम। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद अपन काउंट करेंगे कि किसके कितने मार्क्स आते हैं और अपन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि आपके इतने मार्क्स आए। और अगर जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो इस सेशन में, इस क्विज में मेरी कुछ गलतियां रह जाती है तो मेरे को बताइए कि सर आप ये गलती मिटाइए या ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कीजिए, या आप चाहते हो कि इस चीज़ पे प्रैक्टिस सेट बनना चाहिए तो आप मुझे बताइए, सो दैट मैं उस चीज़ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। अब क्वेश्चन नंबर 20, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अपवर्तनांक, ऑप्शन बी कुचालकता, ऑप्शन सी उच्च मूल्य और ऑप्शन डी रहेगा अति कठोरता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तनांक। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 20 क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और क्वेश्चन क्विज नंबर 7 में हमने इनको इंक्लूड किया। दोस्तों हमारे अगले क्विज और अगले टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल लाइव शिक्षा ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर सकें। धन्यवाद।